प्रविंस व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, किधर है गए सारे मेरे छोटे बच्चे लोग? क्या बात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार? बढ़िया, एकदम बढ़िया है सभी लोग। गुड वाला मॉर्निंग, गुड वाला मॉर्निंग। चलो आ जाइए, क्लास चालू नहीं होगी, ठीक चालू हो गया। अच्छा, क्या बात है। ओके चलो, बहुत बढ़िया। गुड वाला मॉर्निंग गाइस, गुड वाला मॉर्निंग। मेरी आवाजें आ रही है क्या? मेरी आवाजें आ रही है क्या जी? एम आई ऑडिबल टू यू? अभी तो फ्रेश लग रहे हो आप सर। अरे हम तो हरदम ही फ्रेश रहते हैं, वी आर एवरी डे फ्रेश, एवरी टाइम फ्रेश। हर बार फ्रेश रहते हैं, ठीक है, क्या बात है। चलो रेडी हो गए हो आप लोग? आप लोग रेडी हो गए हो क्या जी? एकदम जोर से एकदम रेडी है सभी लोग? आज हम लोग लेने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज टुडे विल बी टेकिंग द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। ओके, इनका ये चैप्टर वाइज मॉक है, एक चैप्टर वाइज मॉक हमारा डेली चल रहा है गाइस। हम डेली चैप्टर वाइज मॉक ले रहे हैं ना, आपको याद होगा, वी आर टेकिंग द चैप्टर वाइज मॉक। आज हमारा ये सेवंथ चैप्टर है, ये हमारा सेवंथ चैप्टर है। कल से सीरीज का नाम रणनीति नहीं होगा, टॉप 100 हो जाएगा, टॉप 100 चैप्टर वाइज मॉक, टॉप 100 करके हो जाएगा, ठीक है। ओके, बिकॉज बहुत से लोग बोल रहे सर रणनीति डिफाइनिंग लगा थियरी क्लास। चलो लेकिन कोई नहीं सारे, किधर रह गए यार? कल तो अभी तक कितने लोग आ गए थे, कल कितने लोग आ गए थे यार? ओके ग्रुप में वॉइस मैसेज डालो, 80 आए हैं सर। वो आएंगे, उनको आना ही होगा वरना केस करवा दूंगा उनके ऊपर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो सब बिजी है सर आज? अच्छा सब बिजी है आज। हाय राम बावले लोग, लव विथ योर ड्रीम यार, डोंट लव विथ अ पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ विद इन अ सेकेंड। और मेरे को ना देखो, इंसान एक वो प्रजाति है ना, वी आर द वन, वी आर दैट स्पीशीज, वी कैन हर्ट एनी वन विद इन अ सेकेंड, but to make a relation between them it takes years and years and years and years. okay, ठीक है, क्या बात है। दिव्या बोलती मैं 5 मिनट पहले सो के उठी, ये हुई ना बात, हाई फाई दे मैं भी। okay, चलो कोई नहीं, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग को आ जाने दो यार प्लीज भैया, प्लीज चेंज द टाइम। क्यों यार? देखो यार तुम लोग यार ऐसा बोल दो ना, दिल में और लगता है यार। और जब तुम अगर ऐसा बोलो ना सर भैया प्लीज टेक अ टाइम यार, प्लीज चेंज द टाइम यार, ये व्हाट इज दिस यार? नीट वाले को जाके बात बोलेगा, नीट वाले को जाके बात बोलेगा कि प्लीज चेंज द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन? बेटा वो पीटेगा तेरे को पहले, पहले तेरे को तो बुलाएगा प्यार से, ठीक है, ओके ओके, यू कैन कम टू आवर ऑफिस, कैन बी कम, तो बुलाएगा, चलो आ जाओ, चलो कूटेगा तुमको वो, ठीक है, बेवा बोल के तो ऑफिस में लेके जाएगा, मुझे तेरा रिजल्ट निकल कितना पड़ गया, तेरा वो एग्जाम भी नहीं लेगा, तेरा वाइवा ले लेगा वो। ओके चलो जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, टाइम सही है यार, सुबह 10 बजे की है। नो सर इग्नोर कर देगा। अच्छा जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है तो श्री भी कोई नहीं सर, दैट्स व्हाई इट्स ट्रू दैट टंग डजंट हैव एनी बोन्स बट कैन स्टिल ब्रेक वंस। क्या बात है, इस ज्ञान के लिए आपको सल्यूट है। अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके हाँ ठीक है गाइस, आज एक गुड न्यूज भी यार, मैं 3D चिल्ला था, आज मैंने 3D रखा है क्या? क्या आज मैंने 3D रखा है क्या? आज मैंने 3D रखा है, आज मैंने 3D रखा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का स्पेशल क्लास के लिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्पेशल क्लास में रखा हूँ रात को 11:50 को। मुझे पता है बहुत ही कम लोग आएंगे, नहीं भी आएंगे चलेगा, बट ये क्लास मैं लेने वाला हूँ। ओके ठीक है, और उसके बाद गाइस आज होने वाली वही टॉप 600 वाली क्वेश्चन तुम्हारे पास शाम को 6 बजे होंगे, बिकॉज 2 से 5 तुम्हारे पास क्या है जी, इग्नाइट है, क्या जी, 2 से 5 आपका इग्नाइट है, 6 बजे से लेके आपकी पहले 8 तक होगी जी, फिर बाद में आपकी 8 से लेके 10 तक होंगी जी, मतलब ऐसे 2-2 क्लासेस होंगे, फिर आपकी 10 से लेके 11:30 तक क्लासेस होंगी जी। ओके हाँ ठीक है, अगला जी, अगला 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 ओके चलो वेरी गुड।
ओके मुझे आपसे मिलना। अच्छा अच्छा आप कर्नाटक से, दैट्स ग्रेट। चलो जी, इग्नाइट को कैसे ज्वाइन करना है? देखिए, इग्नाइट को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन करना होगा जी। मेरे इस टेलीग्राम पर मैंने आपको लिंक दे दूंगा गाइस, उसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तुम सीधा एग्जाम में एंटर करोगे। डायरेक्ट लिंक दूंगा, एग्जाम में सीधा एंटर करोगे, ठीक है? ओके, कर लियो ज्वाइन, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लिया रहोगे, होप सो। किधर रह गए यार सभी लोग? यार अब यार मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, ठीक है? अब रुक जा, मैं सीधा बोल दूंगा ना कि अब नहीं होगा ये, मतलब फिर Guys, we are live. For chapter wise, कोई क्लास क्लास करी है क्या? कोई क्लास लगा क्लास करती होगी, उसके लिए हुआ है। रुको ना, मैं अभी देख लेता हूँ कौन सी क्लास क्लास हुई है। मैं तो चालू ही कर रहा हूँ यार, मैं तो चालू ही कर रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है ना, वो लास्ट में झटके देता है। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है ना, वो लास्ट में झटके देता है, ठीक है? ओके, वो अभी नहीं देगा झटके, वो देगा ही नहीं। बायोलॉजी वो जाति, वो प्रजाति है ना, वो लास्ट में झटके देगा। और वो ऐसे झटके देगा ना बेटा, क्योंकि ना उस समय क्या होगा पता है क्या? मम्मी बायोलॉजी जिससे मैं बड़ा प्यार करता था उसने ही मुझे ले डूबा। लिटरली कह रहा हूँ जी, ओके लिटरली कह रहा हूँ। ये अभी नहीं समझ में आ रही है अहमियत, जो बच्चे ड्रॉपर है ना उनको जाके पूछना है बात को, ठीक है? लास्ट में यही झटके देता है, अकेला झटके देगा जी। कि हमारे कॉमन साइकोलॉजी होता है यार, तुम जब नीट का पेपर जब तुम लोग देने जाओगे, नीट का पेपर देने जाओगे, तुम सबसे पहले कौन सा टॉपिक लोगे? तुम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने वाले हो बेटा लोग? कौन सा? बायो लोगे, ठीक है? बायो लोगे, ठीक है? बायो लोगे, कॉमन साइकोलॉजी सर से हम लोग बायोलॉजी सबसे पहले उठा लेंगे, बायोलॉजी सबसे पहले उठाएंगे। हाँ जी, बायोलॉजी उठा लिया। अब बायोलॉजी को उठा तो लिया है, अब बाद में क्या होगा पता है? प्रॉब्लम कि बायोलॉजी के चार सवाल इधर गलत होना, फोर क्वेश्चन ओवर हियर रॉन्ग, एक क्वेश्चन तुम्हारा फिजिक्स का वैसे ही रॉन्ग। दिस इज अ रेशियो, दिस इज अ डिफाइंड रेशियो। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से अफेक्ट करता है। क्यों? हमें पता ना कि भैया बायोलॉजी अकेला गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है, पूरा अकेला गेम चेंजर होता है। मैं ये बात प्लस वालों को भी कहता हूँ, और बात मैं वापस आप लोगों को भी कह रहा हूँ, स्पेशल वालों को भी। देखो यार, तुम्हारा मैं आज फिजिक्स का मार्क्स बता दूं, मैं तुम्हारा फिजिक्स का मार्क्स बता दूं गाइस, यू विल बी नॉट बी क्रॉसिंग अ 160 प्लस। अगर बहुत ज्यादा तुम एक्सपर्ट होगे तो 170, और ऑन एन एवरेज रहोगे तुम 150 से 140 के बीच में खेलोगे। ये स्कोर है, ठीक है? ये स्कोर है, ठीक है? इट इज अ डिफाइंड स्कोर, मान के चलो इसको, इससे बाहर तुम नहीं जाओगे। केमिस्ट्री की मैं स्कोर बता दूं तो 175 टच कर सकते हैं कुछ बच्चे, ठीक है? मतलब 160 से लेके 175 के बीच में रहेंगे। बट बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है ना, बायो में अगर तुम अभी अगर तुम 300 टच कर रहे हो, और तुमने प्रैक्टिस छोड़कर तुमने सोचा कि 2 महीना मैं ये कर लेता हूँ, तो बेटा इसको गिरने में ना 100 मार्क्स में बिल्कुल देरी नहीं होगा। बिकॉज बायोलॉजी में ना एक और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम ही लगते हैं अपने को, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों अपने को सेम ही लगते हैं। बायोलॉजी की ये रीति और रिवाज है, ठीक है? अपने को सेम ही लगते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, और उसी में गेम बदल आया आज क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गल नहीं, अपन बिगिन करते हैं हमारे जॉसम क्लास को। बिगिन करें क्या? बिगिन करते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो बस अपन बिगिन करते हैं। आइए 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 आइए, ठीक है? सब लोग को जुड़ते रहेंगे, धीरे 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 आएंगे। चलो मैं रिएक्शंस को बंद कर लिया हूँ, चलो एक लंबी सांस लेते हैं और हम लोग इस क्लास को बिगिन करते हैं, ठीक है? वेरी गुड टू गो गाइस। पहला सवाल आप लोगों के सामने, इन द फ्रॉग किडनी द यूरिया इज एलिमिनेटेड बाय, इन द फ्रॉग किडनी द यूरिया इज एलिमिनेटेड बाय, पक्का? मेरे पास वो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन है एंड टिबुलर सेक्रेशन है जी, मतलब बोथ ए एंड बी। अगला जी, pseudo stratified epithelium is found in ये प्यारे बच्चों आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये ट्रकिया में देखने को मिलेगा, अगला सवाल जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर टिश्यू जी? अ वैस्कुलर टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर टिश्यू जी? क्या मेरे प्यारे बच्चों अवैस्कुलर टिश्यू कौन है मेरे पास? क्या वो मेरे इपिथीलियल हैं? क्या वो हमारे इपिथीलियल हैं जी? बहुत बढ़िया. अगला जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द प्रीटिमा इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन? फंक्शन जो करेक्टली मैच्ड है कौन सा भैया? Which one of the following structure in the pratima is correctly matched with its function? आराम से. क्या वो मेरे पास क्लैटिलियम है? क्लैटिलम है, क्लैटिलम. ओके, क्लैटिलम जो मेरे पास ककून है सेक्रेट करेगा. अगला सवाल So, प्यारे बच्चों वो कोई और नहीं बल्कि वो है मेरे पास स्क्वामस एपिथीलियम. वो है स्क्वाइमस एपिथीलियम. अगला जी, मास सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, मास सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स कंटेन्स हेपरिन एंड हिस्टामाइन. ये हेपरिन एंड हिस्टामाइन कंटेन करता है. अगला जी, मम्मीज ऑफ इजिप्ट स्टिल हैव देयर आर्टरी प्रिजर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मम्मीज ऑफ इजिप्ट स्टिल हैव देयर आर्टरीज प्रिजर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. इन कॉकरोच द उथिका आर फॉर्म्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ उथिका आर फॉर्म्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ क्या वो मेरे कोलेट्रल ग्लैंड है जी? अगला, फ्रॉग डिफर फ्रॉम द ह्यूमंस इन पोजिंग Frog differ from the humans in posing. They differ from the human in posing. Very good. That is our nucleated red blood cells. In the cockroaches, the arthrodial membranes. In cockroaches, the arthrodial membrane. मेरे प्यारे बालको, it will join the sclerites. ये sclerites को आपस में जोड़ देगा. अगला जी, select the correct sequence of the organ in the alimentary canal of the cockroach starting from the mouth onwards.
माउथ ऑनवर्ड्स बड़े ध्यान से करिएगा जी. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द मेरे पास अगर हम बात करें माउथ से फारिंग्स ईसियोफेगस क्रॉप गिजार्ड इलियम कोलन एंड रेक्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द एयर और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द एडल्ट मेल पेरिप्लेनेटा अमेरिकेना एज इट इज एंटर इट्स एंटर्स द एनिमल बॉडी. कैसे जाएगा जी कॉकरोचेस में कैसे जाएगा जी आपको याद होगा उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हैं पूरे कॉकरोच के कैसे हैं. वेरी गुड. मेरे स्पाइरिकल जो होते हैं इन मेटाथोराक्स ट्रकिया ट्रक्यूल्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स. ओवरी होल्स आर ओवरी होल्स क्या है मेरे प्यारे बालकों ओवरी होल्स ओवरियोल्स आर वेरी गुड दे आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ओवरीज ऑफ द फीमेल कॉकरोचेस. अगला मालफिजेंट ट्यूब्यूल्स आर एनालोगस टू मालफिजेंट ट्यूब्यूल्स आर एनालोगस टू मालफिजेंट ट्यूब्यूल्स आर एनालोगस टू पक्का जी दे आर एनालोगस टू फ्लेम सेल्स ऑफ प्लैटीएलिमेंथाइसिस. अगला सवाल जी रेस्पिरेशन इन द एडल्ट फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है एडल्ट फ्रॉग में. देखो फ्रॉग मेरे पास है एम्फीबियंस सो एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होंगे क्यूटेनियस बकल पल्मोनरी ऑल ऑफ दिस. द टाइप ऑफ एपिथेलियम सीन इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज द टाइप ऑफ एपिथेलियम सीन इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज Squamous epithelium. हाँ जी अगले सवाल की ओर जी the cardiac muscles are एकदम शांति से करो यार एकदम शांति से cardiac muscles are प्यारे बालकों तो ये मेरे strided and involuntary होते हैं क्या जी. अगला सवाल आइए लिस्ट वन और लिस्ट टू आपके पास दिया हुआ है मैच दी कॉलम कीजिएगा मैच दी कॉलम करेक्टली. पांचवी ऑप्शन है लेकिन मैंने चार ही दिया है लेट्स सी कितना दिमाग लगेगा गड़बड़ कर दियो. ओके टूर गेट्स ये मेरे डॉर्सल स्क्लेराइट्स हैं क्या जी. टिग्मीना ये मेरे फोर विंग्स हैं. हाइपोफेरिंग्स ये मेरा टंग है टंग बनाएगा. अगला सवाल इन द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोचेस द गेलिया एंड द लकीना फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द गेलिया एंड लकीना फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द गेलिया एंड लकीना दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द मैक्सिलाय मैक्सिलाय का पार्ट बनाएंगे भैया क्या कर रहे हो तुम लोग. अगला जी द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज डिप आर द एग्जाम्पल ऑफ नोज डिप दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है ये
क्या मेरे प्यारे बालकों को मेरे कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज। अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन द एडल्ट फ्रॉग, करेक्ट रिगार्डिंग एडल्ट फ्रॉग। जब वो जमीन पर रहेंगे तो वो कैसे करेंगे, जब वो जमीन पर रहेंगे तो ऑन लैंड, ऑन लैंड जब वो रहेंगे तो वो स्किन एंड बक्कल कैविटी से करेंगे। अगला सवाल, फाइंड दी रॉन्गली मैच्ड पेयर। भैया रॉन्गली मैच्ड पेयर, बहुत ध्यान से, रॉन्गली मैच्ड पेयर। पक्का? देखिए जो कार्टिलेज होते हैं मेरे पास, दे आर नॉट अ एरियोलर टिश्यू भैया, इट्स ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये मेरे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट। आगे जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बालकों, जो एडिपोज टिश्यू होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है क्या? नहीं नहीं नहीं, एडिपोज टिश्यू मेरे पास क्या है, इट इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये तो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ओके चलो जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। माइक्रोविलाय ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आर सिमिलर इन फंक्शन विद, आर सिमिलर इन फंक्शन विद। माइक्रोविलाय ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आर सिमिलर इन फंक्शन विद। टाइफल्स होल इन द अर्थवॉर्म, टाइफ्लोसोल्स इन द अर्थवर्म जी, यस। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्लॉकल अपैरेचर ऑफ द फ्रॉग इज यूज टू पास आउट, क्लॉकल अपैरेचर ऑफ द फ्रॉग इज यूज टू पास आउट, क्लॉकल अपैरेचर ऑफ फ्रॉग इज यूज टू पास आउट। स्पर्म फेसेस एंड यूरिन, सबका सब। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ अ रेस्पिरेशन, किसके अंदर भैया? स्किन इज एन, देखो टफ नहीं है यहां पर, बेसिक अगर हमें एनिमल किंगडम हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हमारा हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे छात्रों, क्या वो मेरे फ्रॉक्स होंगे? अगला सवाल जी, दिस सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ब्लड वेसल्स को जो लाइन कर रहा है, दिस सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, कैटेगरी ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, by the presence of matrix of a bone and a cartilage can be distinguished by the presence of, kya wo mere Hevorsian canal hai? The secretion of tears, milk, sweat and oil are the functions of which of the following tissues? थोड़ा बताइए, कौन किस कौन सा टिश्यू का ये एग्जाम्पल बनेगा? सेक्रेशन ऑफ द टीयर्स, टीयर्स स्वेट एंड ऑयल आर द फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। सो प्यारे बालकों, ये मेरे ईपीथीलियल हैं जी, ईपीथीलियल। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा होगा जी? कॉकरोचेस के रिगार्डिंग करेक्ट, क्या मेरे पास वो मेरे वेंट्रल नर्व कॉर्ड होंगे?
इंटरक्लेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मसल्स फाउंड इन, इंटरक्लेटेड डिस्क आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल्स फाउंड इन हार्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। मेसेंकाइम एज इन अ फ्रॉग इज है ना, ये मेरे पास क्या है जी, हमने शायद ये सवाल देखी थी कल। मेसेंकाइम इन द फ्रॉग इज एन, इट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड, इट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड विच अदर्स द टेस्टिस टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। आइडेंटिफाई द टिश्यूज एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। भैया ये कौन सा टिश्यूज है, ये कौन से टिश्यूज हैं, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे कंपाउंड इपिथीलियम है, कंपाउंड इपिथीलियम। और कंपाउंड इपिथीलियम का मेन काम क्या है जी, प्रोटेक्शन। अगला सवाल जी, द बॉडी सेल्स इन द कॉकरोचेस डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमियोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, मेनली इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की ओर जी। ओके, टाइट जंक्शन, अदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन एंड साइनाप्टिक जंक्शन मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या होंगे बालकों, देखो टाइट जंक्शन से आंसर क्लियर हो गया, इट एस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ अ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। Osteoid refers to, osteoid refers to, young hyaline matrix of the true bone in which the calcium salts are deposited. Frog hearts when taken out of the body continues to beat for some time. Iska reason kya hai? इसका रीजन क्या है जी, बिकॉज इनके हार्ट मेरे मायोजेनिक होते हैं एंड दे आर ऑटो एक्साइटेबल। पांच ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से जी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वंस जी, चूज द करेक्ट वंस, ठीक है, चूज द करेक्ट वंस। आइए, मेरे पास रॉन्ग है, यहां पर रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग कौन कौन से रॉन्ग है यार। अरे भैया कब से ब्लड कोलेजन को सिक्रेट करने लगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन, नहीं यार न्यूरॉन को सपोर्ट करता है जी। बाइसेप्स आर वॉलंटरी, अगला सवाल जी। मोस्ट द कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस इन एडल्ट बाय, किसमें वो रिप्लेस हो जाएगा जी, दे गेट रिप्लेस्ड इनटू, most of the cartilage in the vertebrate embryo are replaced in adult by, bones, one very special picture in the earthworm pritima is that, aapko earthworm ek bahut hi matlab best feature ek dekhne ko milta hai, wo kya hai ji batayega, क्या है जी जल्दी से देखिए, फर्टिलाइजेशन मेरे अंदर हो रहा है कुछ भी। हाँ, टाइफ्लोजोल्स ग्रेटली इंक्रीजेस द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। द काइंड ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स एंड द फलोपियन ट्यूब्स। The kind of epithelium present in the inner surface of the bronchioles and fallopian tubes.
क्या वो मेरे सीलिएटेड इपिथीलियम है? क्यूब लाइक आइडेंटिटी फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ आर टिश्यूज परफॉर्मिंग द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. क्या वो मेरे सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम है क्या? अगला जी, सिलेक्ट द ऑप्शंस विद द करेक्ट मैचिंग. अभी डायग्राम देखिए और करेक्ट मैचिंग कीजिए, करेक्ट मैचिंग कीजिए एकदम, करेक्ट मैचिंग कीजिए. ये मेरे मैक्सिला हो गए, ये मेरे लेब्रम हो गए जी, लेब्रम सॉरी लेबियम, लेबियम लेबियम सॉरी, ये मेरे लेबियम है, ये मेरे पास मैंडिबल है, हो गया. आगे की ओर बढ़ो जी, आगे की ओर बढ़ो 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 बढ़ो. द टिम्पानिक कैविटी इन द फ्रॉग कम्युनिकेट्स विद द फारिंग्स वर्टिकली सॉरी वेंट्रली थ्रू व्हाट? वेंट्रली थ्रू व्हाट? वेंट्रली थ्रू, वेंट्रली थ्रू स्टीचियन ट्यूब. क्लियर है गाइस? अगला सवाल, फर्टिलाइजेशन इन द फ्रॉग इज, फर्टिलाइजेशन इन द फ्रॉग इज, फर्टिलाइजेशन इन द फ्रॉग इज. आपको एक्सटर्नल देखने को मिलता है क्या जी? एक्सटर्नल. अगला सवाल, आइए आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन. कुछ छात्र जो है वो अपना रास्ता पकड़ते हुए निकलते रहो, निकलते रहो. मेरे को पता है ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है ना कि जो कि भगा देंगे बच्चों को, है ना, जिंदगी से भी. आइए आप लोगों को यहां पर स्ट्राइटेशन देखने को मिल रहा है, ओके, और आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मेरे पास है स्केलेटल मसल्स व्हिच ऑलवेज शोज अ स्ट्राइटेशन एंड आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स ऑफ द लिम्स. द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड, आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड. Outer covering of the cartilage is called perichondrium. अगला जी, what external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? क्या होता है जी? वो पूरा एनसीईआरटी की वो एक लाइन है. क्या होता है जब लास्ट माउल्टिंग होगा तो क्या होगा जी? बोथ मेरे फोर विंग्स और हिंड विंग दोनों मेरे डेवलप हो जाएंगे जी. यस, अगला जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेट्स इन द बोन मैट्रिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेट्स इन द बोन मैट्रिक्स. क्या मेरे प्यारे बच्चों वो मेरी कैल्शियम और फॉस्फेट होंगे? इज़न्ट इट? अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द प्रीटिमा, प्रीटिमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन से होंगे? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यार. पक्का? सिलाटिलम इज प्रेजेंट ऑन द सेगमेंट 24, 25 एंड 26. ये बात है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ये मेरे 14th टू 16th सेगमेंट तक होते हैं क्या जी? सर सिलेबस में नहीं, हमने पढ़ेंगे. ओके, विच इज नॉट अ ट्रू फॉर द कॉकरोच, नॉट अ ट्रू फॉर द कॉकरोचेस.
अरे भैया जो टेगमीना है मेरे पास, जो टेगमीना है वो मेरे फ्लाइट के लिए यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं, बट ये कवर करता है मेरे पास और प्रोटेक्ट करेगा मेटा थोरासिक विंग्स को। अगला जी, इन अर्थ वॉर्म्स सिटे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन अर्थ वॉर्म सिटे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट क्लैटिलम एंड लास्ट सेगमेंट। बिकॉज वहां पर क्या टाइनी कर्व आपको देखने को मिलता है क्या जी, जिसे हम सिटी कहते हैं। अकोंड्रोप्लासिया इज अ डिजीज, कोंड्रो का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये किसके रिगार्डिंग ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी किसके रिगार्डिंग हो सकती है जी। अकोंड्रोप्लासिया ये मेरे पास कार्टिलेज रिलेटेड डिसऑर्डर है जी। बढ़ते हैं आगे, इन द मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, कहां पर वो स्टोर्ड रहता है स्पर्म? क्या वो मेरे पास सेमाइनल वेसिकल्स हैं? कंपाउंड आईज आर फाउंड इन, कंपाउंड आईज आर फाउंड इन, कंपाउंड आईज आर फाउंड इन। कॉकरोच। अगला जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोचेस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोचेस। बड़ा बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत मस्त। देखिए मेले क्या कंटेन करेंगे, दे विल बियर दी शॉर्ट एनल स्टाइल्स जो कि तुम्हारे फीमेल्स में एब्सेंट होता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ द अर्थ वॉर्म इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ द अर्थ वॉर्म इज पेरिस्टोमियम। अगला सवाल जी, अर्थ वॉर्म्स आर हर्मोफोडिएट एंड रिप्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? अर्थ वॉर्म आर हर्मोफोडिएट एंड रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय, अर्थ वॉर्म क्या इनके अंदर आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है जी? अगला जी, यॉर्क प्लग कैन बी सीन ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फ्रॉग? यॉर्क प्लग कैन बी सीन ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फ्रॉग? तो प्यारे छात्र छात्रों, ये हमें ग्रास्युलेशन में देखने को मिलता है, गैस गैस्युलेशन। अगला सवाल, रोल ऑफ कैल्सीफरस ग्लैंड इन द स्टमक ऑफ अर्थ वॉर्म इज टू, रोल ऑफ कैल्सीफरस ग्लैंड। देखिए जी, ये ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ह्यूमस के अंदर। अगला सवाल जी, द हेड ऑफ द कॉकरोच लैक्स, हेड ऑफ द कॉकरोचेस लैक्स इट लैक्स ट्रोकेंटर। अगला सवाल, यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, किसके अंदर बेटा, किसके अंदर?
ureters act as a urinogenital ducts in male frogs. जी अगला सवाल, चूज द करेक्टली मैस्ड पेयर, चूज द करेक्टली मैस्ड पेयर, बड़ी ध्यान से करिएगा जी, चूज द करेक्टली मैस्ड पेयर। मेरे प्यारे बच्चों, जो टिबुलर पार्ट था नेफ्रॉन का, दे कंटेन द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जी जी अगला जी, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ ए स्पर्म इन द मेल फ्रॉक्स। मेल फ्रॉक्स, आपको याद रहेगा कि सिलेबस से मैं नहीं भी बोल के 2017 में उन्होंने सवाल दिया था ये। टेस्टिस से वैसिफरेंशिया, वैसिफरेंशिया से किडनी, किडनी से बिडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड देन मेरे क्लोका। ओके चलो अगला, ओमेटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन, ओमेटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन। इन किसके अंदर जी? सो वो फ्रॉग है क्या जी? फ्रॉग, कॉकरोच, कॉकरोच। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना, नॉट प्रेजेंट इन द पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना। देखो कॉकरोचेस मेरे इंसेक्ट है और इंसेक्ट में क्लीवेज मेरे सुपरफिशियली होते हैं क्या जी? सो मेरे पास रेडियल क्लीवेज, ये सब क्यों बात कर रहे हो? ये सब नहीं होगा। आइए ए बी सी डी पहचान कीजिए। पहचानिए, ये ए मेरे मैक्रोफेजेस होंगे, बी मेरे फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर्स एंड डी मेरे मास सेल्स। अगला जी, थ्रू द मोजैक विजन अ कॉकरोच कैन रिसीव, थ्रू द मोजैक विजन अ कॉकरोच कैन रिसीव। थ्रू मोजैक विजन कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट with more sensitivity but less resolution. In the frog, mesoricum is a thinner folded of a membrane extending between. याद है? वो कहां से extend करता है जी? वो extend कहां से करता है जी? आराम से। वो मेरे किडनी से testes की ओर extend कर रहा है। आइए अगला सवाल, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज। अगला, पेरीप्लेनेटा बिलोंग्स टू फाइलम, पेरीप्लेनेटा बिलोंग्स टू फाइलम। कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल जी, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स आर
दे आर क्या होंगे, वो इनवॉलेंटरी होंगे, फ्यूजी फॉर्म होंगे, दे आर नॉन स्ट्राइडेड, भाई कोई भी स्ट्राइडेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स अ ट्रू फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन द अर्थ वर्म, इन अर्थ वर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स अ ट्रू फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन द अर्थ वर्म। देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरे क्लोज्ड टाइप होते हैं जी, ये मेरे क्लोज्ड टाइप होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, वर्टिब्रेट ब्रेन डिफरेंशिएट फ्रॉम, वर्टिब्रेट ब्रेन डिफरेंशिएट फ्रॉम, ये कहां से डेवलपमेंट है वर्टिब्रेट ब्रेन्स, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म। अगला जी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। बहुत ध्यान से जी देखिए, अ स्पेशल मेरे पास, हाँ, देयर इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन, जिसको अपन रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं कहते हैं जी, हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल जी, आइए ए बी सी डी, इसमें से कौन सा एकदम करेक्ट है यार, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर सवाल है, सभी को बताओगा कौन सा करेक्ट है। देखिए ये जो मेरे को जो मेरा बी दिया हुआ, ये क्या मेरे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है क्या जी, इनका लोकेशन इंटेस्टाइन होता है, इनका मेन काम होता है सेक्रीशन। Select the correct statement from the one given below with respect to the Periplaneta Americana. Correct one. Correct one. Male bear a pair of the short thread-like anal styles. Agla. अगला, ये एक्स क्या है जी, ये एक्स क्या है, थोड़ा देखिए ये एक्स क्या होगा जी, अर्थ फॉर्म में ये जो एक्स दिया हुआ है, ये गिजार्ड है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अगला सवाल जी, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, बहुत एकदम उम्दा सवाल है। देखिए प्यारे छात्रों, ये जो मेरे एरियोलर टिश्यूज हैं, दे आर द लूज कनेक्टिव टिश्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, मेरे ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं क्या जी, अगला सवाल, टाइफ्लोसोल इज अ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ, इट इज एसोसिएटेड विथ, टाइफ्लोसोल इज अ स्ट्रक्चर विथ, सो प्यारे छात्रों ये स्ट्रक्चर किससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड होता है मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म, द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल्स और द म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन द ह्यूमन द सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर रहा है, वो कौन सा सेल है जी, क्या वो मेरे पास ब्रोंकियोल्स में रहेंगे वो एंड फॉलोपियन ट्यूब में,
Which of the following feature is used to identify the male cockroach? आइडेंटिफाई करोगे मेल कॉकरोच को, बताइएगा थोड़ा। द प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल्स क्लीवेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग एग्स इज फोर्थ क्लीवेज, कौन सा यार? फ्रॉग के अंदर अगर पढ़ा होगा, अगर मतलब फर्स्ट ही पैराग्राफ है, नहीं पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। ओके, बड़े बड़े कोचिंग क्लास में ना पढ़ाते हैं वो लोग, पढ़ाते हैं वो लोग ये चीज, क्यों? उनको पता है, नहीं बोल के ना कभी भी धोखा हो सकता है जी। डबल मेरीडियोनल द ट्राइंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द वेना केवा इन द फ्रॉग इज द ट्राइंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द वेना केवा इन द फ्रॉग इज। ये मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे पास साइनस वेनोसस होंगे? अगला जी, मशरूम ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ, मशरूम ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थवॉर्म, इनकरेक्ट अबाउट अर्थवॉर्म, हमने देखा है, हमने पढ़ा है जी, बिल्कुल मस्ती मत करना यहां पर मेरे प्यारे छात्र। जो टेस्टीज होता है वो 11th से 12th सेगमेंट पर नहीं, बल्कि वो 10th एंड 11th सेगमेंट पर होते हैं। If a live earthworm is prickled with a needle on its outer surface without damaging its gut, the fluid that comes out is वो कौन से फ्लूड बाहर आती है बॉडी के उनके? सिलिमिक फ्लूड। अगला जी, मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच In having, sorry, मैंने wrong पल दे दिया, अभी correct पल है। In having anal styles, because ये तुम्हारे male के पास रहेगा और ये तुम्हारे फीमेल में एब्सेंट होता है, फीमेल में ना ये एब्सेंट होता है, ठीक है? ये रहे हमारे पास कुछ शानदार क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ओके, 90 क्वेश्चंस, मजा आया गाइस? मजा क्या आया, आधे लोग का तो विकेट चौका हुआ है क्या बोलने का भी, ठीक है? फ्रेश क्यूज मिलेगा, बोलने का नहीं अपने को कि सर मेरे से नहीं हुआ। क्या रैंक आया अभी? वैष्णवी, रुचि, नरेश, निकिता, रुचि, महादेव, आरोही, मार्स गर्ल, ममोनी एंड शेखर जी। कांग्रेचुलेशन गाइस, कांग्रेचुलेशन। ओके, मजा आ गया। सो अगली क्लास तुम्हारे स्पेशल में कितने बजे प्यारे बच्चा लोग? अगली क्लास कितने बजे स्पेशल में? 6 PM को है। टॉप 600 क्वेश्चंस के सीरीज को अपन बिगिन करेंगे। कल कौन सा चैप्टर है जी? कल है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, कल से 100 क्वेश्चंस और आएंगे। इस सीरीज का नाम कल से टॉप 100 मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? फिर बाद में ओके प्लस वालों, तुम्हारी क्लास नहीं होंगी गाइज। मुझे अभी मैसेज आया जी, लाइक दो वाली क्लास है कि दो वाली क्लास नहीं होंगी और चार वाली क्लास नहीं होंगी जी, बिकॉज चार हमारे पास क्या है, 2 से 5 तक हमारा टेस्ट सीरीज है। ओके, और तुम्हारे मॉक एग्जाम्स भी हैं जी। ओके, ठीक है। सो 6 बजे क्लास होंगी तुम्हारी, फिर बाद में 6 से कितने बजे तक होंगी ये, पूरी रात को 8 बजे तक चलेंगी, फिर बाद में अपन 8:15 से वापस से क्लास बिगिन कर लेंगे, इसको रात को 10:15 तक करेंगे, ठीक है? फिर रात को 11 बजे तो करने का ही है।
लंबी क्लास है ठीक है चलो जी। सो 1 PM वाली क्लास नहीं अभी होगी, 11:30 वाली क्लास है, प्लस वाला तुम्हारी 11:30 वाली सब क्लास है। अभी 11:30 AM को जो क्लास है ना प्रैक्टिस सेशन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वो क्लास अभी होंगी जी ठीक है। चलो सो फिर हम लोग मिलते हैं गाइस आप सभी को अगली क्लास के अंदर 6 बजे। ट्राई कीजिए यार अपने दोस्तों को लेकर आया कीजिए, और ये भागने वाला सिस्टम है इसका बीमारी को दूर किया जाएगा थोड़ा बहुत जल्दी ठीक है। सो यूट्यूब पर भी होप कि आप लोगों का एंजॉय करोगे यूट्यूब।